सो भाई कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। अच्छा देखो, एक रिएक्शन वीडियो है, बट इसके अंदर मैं रिएक्शन वाला कुछ देने नहीं वाला हूँ, बिकॉज आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ एंड बहुत सारे लोगों के मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। तो भाई देखो, अब एग्री करते हो नहीं करते हो ये आपकी मैटर है, मुझे कमेंट कर देना। बट पुष्पा द राइज के जो डाई हार्ट फैन है ना, वो ये पूरा वीडियो देख के जाना। अच्छा सबसे पहली बात तो देखो यार, पुष्पा के जो मेकर्स अभी 8-10 दिन पहले जो भी बखेड़ा खड़ा किया था पुष्पा का, जो भी मतलब हमारे सामने हिंदी में पोस्टर लेके नहीं आए, हिंदी में सॉन्ग लेके नहीं आए, उसके बाद हमको लगा कि पुष्पा द राइज हिंदी में नहीं आने वाली है। फिर हमने यहाँ पर से ट्रेंड करवाया कि हमको पुष्पा हिंदी में चाहिए, उसके मतलब 24 घंटे या फिर 48 घंटे बाद ही, मतलब समझ लो 2 दिन बाद ही हमारे सामने हिंदी पोस्टर भी आता है एंड आज हमारे सामने ये भी न्यूज़ आ गई कि भाई हिंदी सॉन्ग भी आने वाला है। तो भाई इससे यार मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई ये लोग ना कुछ घंटा कुछ कर नहीं रहे, ये लोग ना सिर्फ हमको आजमा रहे थे कि भाई पुष्पा द राइज के लिए हिंदी ऑडियंस कितनी एक्साइटेड है। तो ये लोगों ने हमारे साथ एक खेल खेल लिया एंड हमको चूतिया बना लिया। तो भाई लोगों को पता भी चल गया कि भाई पुष्पा द राइज हम कितने बड़े दीवाने एंड हमने ट्रेंड भी करवा लिया। अब देखो यार, सबसे पहली बात तो यार आप लोगों को यह करने की जरूरत क्यों पड़ी मेरे को समझ नहीं आता। इस अब ना नेक्स्ट टाइम आप लोग ऐसे बड़े बड़े हार्ट अटैक मत देना। अगर आप लोगों को देखना ही है कि भाई पुष्पा द राइज के हम कितने बड़े फैन, हम कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे, तो भाई एक बार ना मेरे को कॉल करके मैसेज करके पूछ लेना। बिकॉज यार देखो यार, कल हमने पोल किया था, मतलब 80% से ज्यादा लोग पुष्पा द राइज का नाम ले रहे हैं। अच्छा इसमें बहुत लोग होंगे भाई, तो वो लोग बोलेंगे भाई तेरे जितने भी सब्सक्राइबर है ना पुष्पा के ही फैन है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज यार मैं जो भी वीडियो डालता हूँ ना, अगर मैं सलमान खान पर डाल दूँ ना तो उस पर भी व्यूज आते हैं, या फिर मतलब प्रभास पर डाल दूँ या फिर रॉकी भाई पर डाल दूँ उस पर भी व्यूज आते हैं। भाई पुष्पा द राइज पर उतने व्यूज आते हैं जितने उन वीडियोज पर आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इससे कोई मसला है। अगर उसके मतलब पुष्पा द राइज के सब्सक्राइबर भी है ना, तो भाई मतलब आप देखो, मेरा तो छोटा सा चैनल है, मतलब छोटे से चैनल के ऊपर पुष्पा द राइज की कितनी डिमांड है आप देखो। मतलब कितनी, मतलब इसके हिसाब से आप देखो पुष्पा द राइज के कितने बड़े बड़े फैन पड़े होंगे, मतलब कितने डाई हार्ट फैन पड़े होंगे। और यार देखो पुष्पा द राइज के मतलब यार समझो आप, अब दूसरी बार ऐसा मत कर रहा, बिकॉज यार अटैक वटैक आ जाएगा, एक दो फैन निकलेगा तो आप लोगों को नुकसान हो जाएगा, हम लोगों को तो कुछ होने नहीं वाला है। अब देखो यार, देखो हमारे सामने अब पुष्पा द राइज का एक सॉन्ग भी निकल के आ गया है, मतलब सॉन्ग निकल के मतलब हिंदी में सॉन्ग आने वाला है एंड बहुत जल्दी आपको 4-5 दिन का वेट करना है, आपको सॉन्ग भी देखने को मिल जाएगा हिंदी में। एंड मेरे को सबसे बड़ी बात देखते इसके पोस्टर की बात करते हैं। अब देखो इसको पोस्टर को देखने के बाद मेरे को ना KGF की याद आई है, सीरियसली। अब आप देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ KGF की कॉपी मारी है, KGF की याद आई है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अभी बहुत लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, बिकॉज यार देखो, अब आप देखो यार, मतलब पुष्पा द राइज का अभी तक जो सॉन्ग निकल के आया है या फिर ज्यादा से ज्यादा पोस्टर्स देख लो, उसके अंदर हमारे सामने जो अल्लू अर्जुन का लुक निकल के आया था ना, वो ऐसा था कि देखने में लग रहा था कि अल्लू अर्जुन एकदम जंगली टाइप के लग रहे हैं एंड उनको देखने के बाद लगता था कि हाँ भाई जंगल में रहने वाला इंसान ऐसा ही हो सकता है। मतलब ये बाल देख लो उनके, या फिर उनका जो भी लुक था, जिस तरह से उनकी स्टाइल थी, एक्टिंग वगैरह, मतलब उनका डांस का स्टाइल, वो एकदम ही गजब था। अभी आप जो मैंने अभी जो पोस्टर देखा है, मुझे अंदर से फील आ रहा है एंड भाई मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, शायद ये सॉन्ग, शायद मुझे लग रहा है ये सॉन्ग ना शायद एंडिंग में होगा पुष्पा द राइज का, जब चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा ना उसके बाद ये सॉन्ग लगेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बिकॉज यार देखो, अब ये वाला लुक देखो, इसमें भाई अल्लू अर्जुन ने सिंदूर भी लगाया हुआ है, गोगल्स भी लगाया हुआ है, जिस तरह से उनके मतलब हेयर स्टाइल है, जिस तरह से उनकी दाढ़ी है, मतलब माथे पे सिंदूर है, जिस तरह से मतलब बंदे ने कपड़े पहने हुए, अब ये देख के तो कोई नहीं कह सकता ये बंदा जंगल में रहा होगा, ठीक है। तो भाई डेफिनेटली मुझे लग रहा है भाई पुष्पा द राइज के मतलब हमारे जो पुष्पा या फिर हमारे जो अल्लू अर्जुन है, वो ना चैप्टर 1 के अंदर सबका खात्मा कर देंगे ना, तो उनकी जो भी जगह इलीगल जगह होगी, जो भी मतलब वो काले धंधे कर देंगे साथ में, वहाँ पर सफाया करके वो जगह पे मतलब है ना, मतलब वो जगह पे कब्जा कर लेंगे हमारे अल्लू अर्जुन, उसके बाद शायद ये सॉन्ग हो सकता है। बिकॉज यार मतलब जहाँ तक अभी तक हमने देखा है एंड ये लुक बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब यार देखो, आप खुद देखो अल्लू अर्जुन का ये लुक, आप खुद समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है भाई जिस तरह से हमने KGF में देखा था यार, मतलब KGF चैप्टर 2 के लिए, कि भाई उसने मतलब हमारे रॉकी भाई ने वहाँ पे कब्जा कर लिया, इस तरह से हमारे पुष्पा भी मतलब ये जो भी मतलब जो विलन से वहाँ पर उनका खात्मा करके शायद कब्जा कर लेंगे, उसके बाद का ये उसके बाद मतलब लास्ट में ये सॉन्ग होगा एंड हो सकता है कि भाई ये जो लुक है ना आपको बहुत मतलब बहुत कुछ कहना चाह रहा है। अब ये लुक देखो आप, मुझे ये लुक देखने के बाद लग रहा है कि भाई ये शायद पुष्पा मतलब हमारे अल्लू अर्जुन का मतलब ये सेकंड पार्ट का लुक हो सकता है, मुझे ये ऐसा लग रहा है। मैं जस्ट प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ KGF की कॉपी है, मतलब इससे हमको थोड़ा सा हिंट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हिंट मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई, ये मेरी प्रेडिक्शन है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना भाई, हर बंदा अलग तरीके से सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज अभी तक हमने जो देखा था अल्लू अर्जुन का एक अलग स्वेग देखा था, बट इसके अंदर हमको एक अलग स्वेग देखने को मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप ही लोग बताओ भाई, आप लोग बेटर जानते हो। बिकॉज यार देखो, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है, आप देखो यार 5 सॉन्ग होते हैं ज्यादा से ज्यादा मतलब मूवी के अंदर, अब आपने 3 सॉन्ग तो ऑलरेडी देख लिए, अब 4th सॉन्ग ये होने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर एक आइटम सॉन्ग अभी आना बाकी है, वो उसमें आपका सनी लियोनी होती है या फिर कोई भी लियोनी होती है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक 4th आइटम सॉन्ग होगा, तो 3 सॉन्ग तो भाई आप बीच में देख लो, 3 सॉन्ग में तो एक सेम लुक है अल्लू अर्जुन का एंड ये सॉन्ग के अंदर लुक एक अलग होने वाला है हमारे अल्लू अर्जुन का। तो हो सकता है यही सॉन्ग लास्ट में हो पुष्पा द राइज खत्म होने के बाद,
ये मुझे लग रहा है कि ये ऐसा ही मुझे लग रहा है, ये लास्ट में आएगा ये सॉन्ग, एंड ये पुष्पा द राइस चैप्टर 2 का लुक है, ये लिख के रख लो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ये मेरे प्रेडिक्शन है। आप लोगों को प्रेडिक्शन में मतलब सच लग रहा है या फिर गलत लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो भाई मेरे को लुक एकदम जबरदस्त लगा, जिस तरह से उन्होंने सनग्लासेस लगाए, इस तरह से मतलब उनका जो हेयर स्टाइल है, मतलब यार जो दाढ़ी है, जिस तरह से कपड़े पहनने का स्टाइल है, अलग ही लग रहा है, एकदम जबरदस्त लग रहा है। तो आप लोगों को लुक कैसा लगा है, एंड मेरी ये प्रेडिक्शन, आप लोगों को क्या लग रहा है मतलब ये सॉन्ग कब आएगा, एंड भाई ये लुक लुक से आपको क्या लग रहा है कि भाई क्या होने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू, हां चलो सब्सक्राइब करके जाना, बाय बाय।